हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट जुलाई 2024 में जो होने वाला है उसके क्लास 6 के हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था और पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो सारे इसमें इंक्लूडेड रह रहा है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करा रहा हूँ और डिटेल में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इतना भी अगर करके जाओगे तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट और सारे टॉपिक और सारे पॉइंट्स इस वीडियोस के माध्यम से हर एक चैप्टर का मैं कवर धीरे धीरे करते जा रहा हूं। ये चैप्टर नंबर आपका 7 होगा, इससे पहले ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, इसको आप 6 से 7 कर लेना। ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। इसके पहले 6 चैप्टर आपके लिए पढ़ाई हो चुका है, तो 6 चैप्टर का जो वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वो जाकर वीडियोस को देख लीजिए और बहुत डिटेल के साथ बहुत बेस्ट तरीके से जो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है इसको पढ़ने के बाद आपकी क्वेश्चन एक भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। यानी कि जो आपके 60 नंबर आने वाले हैं उसमें से जो कंटेंट के 40 नंबर है वो गारंटेड लेकर चलिए कि 35 प्लस नंबर आपको लेकर आना ही होगा। इतने अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक स्तंभ कहाँ है। देखो, ये चैप्टर से ना कभी कभार एक क्वेश्चन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, एक या 2 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन एक या 2 क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ कहाँ है बताइए, अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में है, बिल्कुल है सारनाथ में। और यही पर सारनाथ में गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था, ठीक है, पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और ये सारनाथ है कहाँ पर है, तो ये सारनाथ जो है वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी से करीबन ये 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है वाराणसी सारनाथ, ठीक है। उसके बाद राजगीर है, राजगीर जो था मगध की जो थी पहली राजधानी थी, उसके बाद दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा बन गई थी और उज्जैन तक्षशिला से रिलेटेड एक्ट बुक्स में किसी तरह का कोई और जानकारी नहीं दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी, 2500 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या फिर 1500 वर्ष पहले, बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य पर वो शासन करते थे, ठीक है, उसकी स्थापना किसने किया था, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और लगभग ये 2300 वर्ष पहले किया था। कितने वर्ष पहले किया था, 2300 वर्ष पहले किया था। और एक चीज आपको याद होगा कि सिकंदर जो था मेसोडिनिया का राजा था सिकंदर, वो भी आपके मगध पर जो आक्रमण करने वाला था वो 2300 वर्ष में ही भारत में आक्रमण किया था और ब्यास नदी से वो लौट गया था किसे, मगध से डर कर वो लौटा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। और 3000 वर्ष पहले क्या हुआ था, महापाषाण कब्रों का निर्माण की कला शुरू हुई थी। 1500 वर्ष पहले जैन धर्मों का जो लिखने का जो साक्ष्य हुआ था, पहली बार वल्लभी गुजरात में लिखा गया था, वो 1500 वर्ष पहले ही हुआ था। कितने वर्ष पहले हुआ था, 1500 वर्ष पहले हुआ था। और उसके बाद 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले जो हुआ था, इसमें 2-3 चीज याद रखना है। एक तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2500 वर्ष पहले हुई थी। हड़प्पा शहर का विकास जो हुआ था वो 4700 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे रहा हूँ, चारों पॉइंट्स को कवर करना, इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आपको वो पॉइंट अच्छे तरीके से याद हो जाए। आइए, मौर्य वंश का सही क्रम अनुसार राजा को सजाइए, ठीक है, सजाइए, यहाँ पर सजाइए कर लीजिएगा, ठीक है, सजाए, ठीक है, सजाए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक बिंदुसार, बिंदुसार अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार या फिर अशोक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मुझे जो लग रहा है और आपको क्या लग रहा है बताइएगा, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था, अशोक था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या इंक्लूडेड है, हर एक क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर दिया हूं ताकि आपको यहां से छूटने ना पाए, हर एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर किया हूं। अगले एक पॉइंट पे आऊंगा, कौन एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, यानी जो राजा के जासूस होते थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी क्रियाकलाप के बारे में जानकारी कौन रखता था, तो उसका नाम था क्या था, संदेशवाहक, सम्राट, लिपिक या फिर पुरोहित, तो उसका नाम था संदेशवाहक। सम्राट क्या करता था, तो सम्राट का नाम आपको याद होगा कि ये इमारत बनाने का काम करता था, साथ ही साथ आभूषण और कीमती पत्थर वगैरह भी मंगवाता था। लिपिक कौन थे, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे उसको लिपिक बोलते थे, और पुरोहित कौन था, ये पूजा पाठ करवाता था उसको बोलते थे पुरोहित। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, संदेशवाहक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रांतों में राजकुमारों को क्या बनाकर भेजा जाता था, सम्राट, गवर्नर, मंत्री या फिर जिला परिषद, बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। और मौर्य साम्राज्य के अंदर जो प्रांतों में राजकुमार को गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, और ऐसा नहीं है कि गवर्नर अगर वो बन गए तो वहां के नियम कानून चेंज हो जाएंगे, नहीं, वहां का जो स्थानीय नियम था ना, जो स्थानीय नियम था वही स्थानीय नियम और कानून को वहां भी फॉलो करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आप नया कानून नहीं ला सकते हैं, वहां का जो स्थानीय नियम होगा वही कानून को यहाँ भी फॉलो करना पड़ रहा था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एना जाने कितनी बार पूछ चुका और इतनी बार पूछ चुका कि अब ये पूछना ही छोड़ दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था, देखो जो अभी चैप्टर हम लोग 7 पढ़ रहे हैं इसमें दो बारे में चर्चा किया गया है, एक तो चर्चा किया नॉर्थ वेस्ट में जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम को, और एक बोलते हैं साउथ, ठीक है, साउथ को, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो फेमस था वो ब्लैंकेट के लिए फेमस था जिसको बोलते हैं कंबल, और साउथ जो फेमस था वो गोल्ड के लिए प्लस एक्सपेंसिव स्टोन के लिए, ठीक है, एक्सपेंसिव स्टोन के लिए भी ये फेमस था। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र अनुसार जो है उत्तर पश्चिम किस लिए फेमस था, तो वो था कंबल के लिए। सोने और बहुमूल्य पत्थर के लिए क्या फेमस था, तो साउथ, ठीक है, साउथ जो था वो सोने और बहुमूल्य पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। कपड़े किसके लिए प्रसिद्ध, कहां प्रसिद्ध था, तो कपड़े जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपड़े का प्रमाण मिले हैं। और कपास के साक्ष्य कहां से मिले, अगर आपसे पूछ दिया कपास के साक्ष्य, तो आप कपास के साक्ष्य बोलना मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये बोलन दर्रे के पास है, बोलन दर्रे के पास है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और एक चीज बात करूं कि भारत में सोने का आयात कहां से होता था, ये होता था आपको कहां से, गुजरात, कर्नाटक से, कर्नाटक या गुजरात, कर्नाटक ही होगा, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्यकालीन साम्राज्य में नजराना क्या था, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये नजराना आखिर होता क्या है। देखो नजराना जो होता है वो उसको क्या नियमित टैक्स या फिर स्वेच्छा से टैक्स या कपड़े पर कर या फिर इनमें से कोई नहीं, देखो नियमित टैक्स तो होगा नहीं, ये स्वेच्छा से जो कर है ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर होगा। स्वेच्छा से जो टैक्स दे दिया जाता है मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं है, अगर आपको देने का मन है तो दो, अगर नहीं देने का मन है तो नहीं दो, इसको बोलते हैं स्वेच्छा से कर। अच्छा अगले क्वेश्चन से बात करेंगे, मेघश्रीज किनके दरबार में आया था, मेघश्री जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बने थे, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन बने थे, अशोक बने थे, ठीक है। चाणक्य ने कौन से किताब लिखा था, तो अर्थशास्त्र नामक एक बुक भी लिखा है अर्थशास्त्र, किसने लिखा है, तो चाणक्य लिखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मेघस्थनी जो था वो किसका राजदूत था, ठीक है, मेघस्थनी जो था वो किसका राजदूत था, ये जो राजदूत था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत पहुंच रहा है। पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य जब जनता के सामने आते था तो शोभा यात्रा व जश्न के रूप में मनाया जाता, बिल्कुल ये सही है। सोने की पालकी से चंद्रगुप्त मौर्य चला करते थे, बिल्कुल ये भी सही है। राजा दो रात एक कमरे में नहीं सोता था, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है ना, राजा हथियारबंद पुरुषों से घिरे होते थे, ये बिल्कुल गलत नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए डी होगा क्योंकि राजा हथियारबंद पुरुषों से नहीं बल्कि वो महिलाओं से घिरा होता था, फीमेल से घिरे होते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले बात करें अगले क्वेश्चन की, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और मगध की राजधानी जो पहले थी वो थी राजगिरी थी, उसके बाद सेकंड जो थी वो भी पाटलिपुत्र बन गई थी।
अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसे पहले शासक कौन थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी? तो ऐसे पहले शासक का नाम था अशोक था। अशोक ने खासकर ये अभिलेख वगैरह लिखने का काम हमेशा ज्यादा किया था, और इनके जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हुआ करते थे। अशोक के अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा आपको किया है कि अशोक की जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ए होगा बिल्कुल। अशोक राजा बनने के कितने सालों बाद कलिंग विजय किया था? तो अशोक राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय किया था, जिसमें 1.5 लाख लोग, याद रखिएगा 1.5 लाख लोग को बंदी बनाया गया था और 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे, इनका डेथ हुआ था। ठीक है, 1 लाख लोगों को डेथ हुआ था और 1.5 लाख लोग करीबन मारे गए थे। तो याद रखिएगा, ये जो क्लास चला रहा हूं मैं, ये सीटेट जुलाई 2024 के लिए, ठीक है, जो भी सीटेट जुलाई 2024 का जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हर एक क्वेश्चन को कवर कराया हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अशोक ने धर्म को प्रसारित करने के लिए किन देशों में अपने दूत भेजे थे? ठीक है, तो सीरिया में भेजा था, मिस्र भेजा था, ग्रीस भेजा था, यानी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। प्लस एक नाम और याद रखना है, श्रीलंका। श्रीलंका में भी इन्होंने अपने दूत को भेजा था, तो सीरिया, मिस्र और ग्रीस प्लस श्रीलंका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने वर्ष पहले चीन के दीवार का निर्माण किया गया था? तो ये मात्र 2400 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले जो हुआ था वो ईरानी और ईरानी भी भारत आए थे, और 2500 वर्ष पहले गंगा वाले क्षेत्र में आदमियों का वहां पे आसपास क्षेत्र का विकास हुआ था, और 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ था। 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की लिखने की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ऋग्वेद जो है 3500 वर्ष पहले सबसे पुराना वेद माना जाता है, और 3000 वर्ष पहले जो दिया है वो महापाषाण कब्रों का निर्माण करने की कला शुरुआत हुई थी। ये जितने भी आपको ईयर है वो सारे ईयर आपके एकदम दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ईयर से आपके काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तर पश्चिम जो प्रसिद्ध था वो कम्बल के लिए, और सोना एवं बहुमूल्य पत्थर जो था वो फेमस था साउथ के लिए। ये PYQ में पूछा गया है, ये सीटेट PYQ में क्वेश्चन करा रहा हूं, इस पे यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे जाना जाता है अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद या धर्मशास्त्र, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अच्छा, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। थोड़ा सा वीडियो को मैं जानबूझकर फास्ट पढ़ाता हूँ ताकि आपको कंटेंट में क्वालिटी तो दिख ही रहा होगा, लेकिन आपका जो टाइम वेस्टेज हो बिल्कुल मैं बचा सकूं। जीरो टाइम वेस्टेज के साथ मैं काम करता हूं ताकि आपके सारे क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो सके। अगला क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना बैल, जिसे अब निम्नलिखित राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासन काल में बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था मौर्य शासन काल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीटेट का PYQ क्वेश्चन है। ए और बी कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल सही जवाब है। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। और आज का साथ अंतिम प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में, क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, ये भी PYQ क्वेश्चन है सीटेट का। ठीक है, ये रहा बिल्कुल, मैंने टोटल 22 क्वेश्चंस कराया, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा कम से कम, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और देखो किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो मैं उसके लिए जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। कोई भी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप जरूर पूछना, हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं बिल्कुल डिटेल के साथ देना चाहता हूँ, अगर कोई आपको क्वेश्चन में क्वेरी वगैरह हो तो। इससे पहले मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ा दिया था, ये मिलाकर 7 चैप्टर हो गए, 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है, उसको कवर करके क्लास 7 का NCERT भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री का। जैसे हिस्ट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी पर आ जाएंगे, और इस तरीके से पूरा आपको SST मात्र 1 महीने के अंदर में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
तो वीडियोस को सभी लोग जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।